sub question 1 they have given you as a dash b dash c, length AC is equal to 11, length BC is equal to 6.5, you have to find length AB. AB हम लोग को find out करने का है. They are told to do the diagram also. Run the diagram like this way. A dash B dash C. E will be then the straight line or the 3 point. A से लेके C तक मैंने यहाँ पे measurement लिखा है 11. B से लेके C तक I written the measurement as 6.5. You have to find out the value of AB. तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ? A dash given. It is being given to us. Length AC क्या 11, BC is equal to 6.5 दिया हुआ. अभी A dash B dash C इसका मतलब क्या हो गया? Length AB plus length BC is equal to length क्या रहेगा? AC. AB plus BC is equal to AC. So what is my AB? AB value is how much? Not given. So it will be length AB only. Therefore, plus BC का वैल्यू कितना है? 6.5. Right here, 6.5 is equal to 11. Therefore, length AB is equal to क्या आएगा? Plus 6.5 equal to का right hand side में जाएगा तो minus 6.5. तो 11 minus 6.5 is equal to how much? 4.5. That's it. You can write it on the final answer. Length AB is equal to 4.5. हो गया. बहुत सिंपल क्वेश्चन का आंसर है ये. Nothing much. This one is required या हर वक्त required या. Only आप एक बार डायग्राम आप करेंगे तो AB का वैल्यू आपको आ ही जाएगा. Now we see question number 2. Now question number 2 they are given you as R dash S dash T. ST का वैल्यू दिया हुआ 3.7, RS का दिया हुआ 2.5, written here as given. And draw the diagram R dash S dash T. RS का वैल्यू 2.5 और the diagram is done here. ST का वैल्यू 3.7, RT question mark. So what is there? R dash S dash T is given. तो हम क्या लिखेंगे? Length RS प्लस लेंथ एस टी इज इक्वल टू लेंथ वॉट आर टी. ये सब तो आप तो फटाफट कर सकते हो. आर एस का वैल्यू दिया हुआ 2.5 प्लस एस टी का वैल्यू दिया हुआ 3.7 इज इक्वल टू लेंथ आर टी. देयरफॉर लेंथ आर टी इज इक्वल टू 7 plus 5 is 12 point 3 plus 2 is 6 plus 3 plus 2 is 5 plus 1 is 6. So this is how we got the answer of RT as 6.2. Now we see question number 3. Question number 6 ka sub part third sum x dash y dash z. Xz ka value diya 3 root 7, xy is given as root 7, written as given. And on a straight line now x y z are written here. xz का वैल्यू 3 root 7 है तो x से लेके z तक का वैल्यू है 3 root 7, x से लेके y तक का वैल्यू है रूट सेवन, x से लेके y तक वैल्यू है रूट सेवन, y z का क्वेश्चन मार्क. सो x डैश y डैश z इट इज मीन्स दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर. देयरफॉर व्हाट आई विल राइट हियर? लेंथ xy प्लस लेंथ yz is equal to length, it will be xz. Correct? xy plus yz is equal to xz. So therefore, what it will be? xy का वैल्यू कितना है? xy का वैल्यू है रूट सेवन. तो मैं लिखूंगा यहाँ पे रूट सेवन प्लस yz का वैल्यू नहीं दिया हुआ है. राइट यहाँ yz इज इक्वल टू xz का वैल्यू है 3 root 7. तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 3 root 7. करेक्ट? देयरफॉर अभी स्क्वायर रूट ऑफ 7 है इक्वल टू का राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या होगा? माइनस. सो लेंथ yz इज इक्वल टू 3 root 7
माइनस रूट सेवन। यहाँ पे रूट सेवन के पास कुछ नंबर नहीं दिया हुआ है, सो वी टेक इट एज वन। सो थ्री माइनस वन इज हाउ मच टू, कुछ नहीं तो वन पर करते हैं, सो थ्री माइनस वन इज टू रूट सेवन। सो वी गॉट द आंसर एज लेंथ वाई जेड इज इक्वल टू टू स्क्वेयर रूट ऑफ सेवन। सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर सिक्स का सब पार्ट नंबर थ्री। नाउ वी सी विद क्वेश्चन नंबर सेवन। सो द होल एक्सरसाइज वॉज वेरी मच इजी। अगर हम क्वेश्चन नंबर सेवन में भी देखेंगे हाउ इट वर्क्स ऑन आंसर नंबर सेवन। व्हाट इज बीन टोल्ड टू यू ऑन विच फिगर इज फॉर्म बाय थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तीन नॉन कोलिनियर, कोलिनियर का मतलब होता है एक लाइन पे तीन पॉइंट रहेंगे। नॉन कोलिनियर का पॉइंट मतलब क्या होता है, दो पॉइंट हम लोग पकड़ते हैं, वन पॉइंट या वन पॉइंट या थर्ड पॉइंट विल बी डाउन। तो ये हो गया मेरा थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट। अगर तीनों पॉइंट को मैं ज्वाइन कर देता हूँ तो क्या बनता है वो, विच फिगर इज फॉर्म ट्राइंगल इज फॉर्म। सो आई लाइट योर ट्राइंगल इज फॉर्म बाय थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, बाय थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। That's it. So the whole exercise was very much simple. जो कुछ भी मैं आपको जो सिखाया था आप लोगों को समझ में आया रहेगा, बिकॉज ऑल द सम्स वॉज वेरी मच इजी, नॉट दैट मच हार्ड ऑल्सो, बट इट वॉज इजी। आप लोग क्या कर लेना, मेरा वीडियो ना दो तीन बार आप लोग देख लीजिएगा और आप शेयर भी कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड प्लीज सब्सक्राइब इट ऑल्सो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू वेरी मच।